ब्लॉकबस्टर से आउट हुए संजय दत्त, जानिए क्या है कारण। संजय दत्त इन दिनों काफी ज्यादा व्यस्त है और जेल से आने के बाद अपनी लाइफ को सही ढंग से जी रहे हैं। बता दें कि संजय दत्त के पास कई फिल्में हैं और उन पर वो खास ध्यान दे रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में खबर आई थी कि संजय दत्त एक कॉमेडी फिल्म में दिखाई देगी जिसका नाम ब्लॉकबस्टर है। संजय दत्त ने जेल में लिखे थे 5 गाने, फिल्म तोरबाज में एक गाना आएगा नजर। बता दें कि अब संजय दत्त उस फिल्म में आपको नजर नहीं आएंगे। संजय दत्त ने उस फिल्म को टाटा बोल दिया है। आपको बता दें कि ऐसा संजू बाबा ने इसलिए किया क्योंकि वो उम्र के इस पड़ाव में किसी भी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और स्क्रिप्ट को लेकर कोई गलती नहीं करना चाहते हैं। फिल्म भूमि में संजय दत्त नजर आए थे पर फिल्म नहीं चली थी। यही कारण है कि अब संजय बाबा फिल्म को पूरा सोच समझ कर साइन कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही नो निर्देशक अभिषेक वर्मा से मिले थे और एक फिल्म के लिए बात कर रहे हैं। फिल्म को करण जौहर डायरेक्ट करेंगे। इस फिल्म की खास बात तो ये होगी कि फिल्म में 21 सालों के बाद संजय दत्त और माधुरी दीक्षित नेने नजर आएंगी। बता दें कि बीते समय में माधुरी के साथ संजय दत्त ने फिल्म खलनायक की थी जो कि काफी बड़ी हिट साबित हुई थी और इस फिल्म के गानों ने आकर धमाल मचा दिया था। बता दें कि संजय दत्त अगली फिल्म में माधुरी के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आ सकते हैं। फिल्म ब्लॉकबस्टर को छोड़ने के बाद संजय दत्त अपना पूरा ध्यान फिल्म तोड़बाज में लगाएंगे। इसी फिल्म में संजय दत्त फिलहाल व्यस्त चल रहे हैं। बता दें कि संजय दत्त ने जेल काटते समय 5 गाने लिखे थे जिसमें से फिल्म तोड़बाज में एक गाना फाइनल कर लिया गया है। इस फिल्म में अपने लिखे हुए गाने को संजय दत्त खुद गाएंगे। बता दें कि संजय दत्त उन अभिनेताओं में से है जो जिन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी है और काफी मुसीबतों में भी रहे हैं। हालांकि संजू बाबा अब जेल काट चुके हैं और उनको अब किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। संजय दत्त अपने परिवार के साथ खुश है और फिल्मों में ध्यान दे रहे हैं।